नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे दीन बंधु छोटू राम के पैतृक गांव गड़ी सांपला में ग्रामवासियों ने राजकीय उच्च विद्यालय के सामने एकत्रित होकर शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल से अनेक विषयों के पद समाप्त किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल को ताला लगा दिया। ग्रामवासियों की मांग है कि विद्यालय से समाप्त किए गए विषयों के पद पुनः स्थापित किए जाएं और गरीबों के बच्चों से सस्ती सरकारी शिक्षा का अधिकार न छीना जाए। वहीं ग्रामीणों ने मांगे न माने जाने पर आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से अपनाई जा रही नॉर्मलाइजेशन नीति के कारण गांव के स्कूल में उचित छात्र संख्या होने के बावजूद 5 विषयों के पद समाप्त कर दिए गए। इनमें विज्ञान अध्यापक, हिंदी अध्यापक, सामाजिक अध्ययन अध्यापक, इंग्लिश प्रवक्ता और हिंदी प्रवक्ता के पद शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब स्कूल में इन विषयों के अध्यापक होंगे ही नहीं तो बच्चे उन विषयों की पढ़ाई कैसे करेंगे और उनके गांव के इस स्कूल में तो पिछले कई वर्षों से 3 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसके बारे में स्कूल स्टाफ और ग्राम पंचायत की ओर से लिखित रूप में खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी समेत शिक्षा विभाग के तमाम उच्च अधिकारी को शिकायत दी जा चुकी है। लेकिन आज तक इस स्कूल में अध्यापकों की संख्या पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सांपला से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। सिंह जी, क्या मामला था स्कूल को ताला लगा था? हमारे गांव में 10वीं तक का स्कूल है, 6ठी से और 10वीं तक के 5 सब्जेक्ट रद्द के पोस्ट बिना वो रद्द कर दिया, जो मूल सब्जेक्ट है। तो ये तो एक देहात और ग्रामीण इलाका, जो छोटराम का गांव एक ऐसी गांव है, शिक्षा की अलग जगह आई थी और उसी के गांव को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। यहाँ ग्रामीण और देहात के बिल्कुल पिछड़ा हुआ जो शिक्षा के क्षेत्र में ये है गाँव, और इसमें गरीब बच्चों के, किसानों के, जमींदारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यहाँ कितने टीचरों की कमी है? प्राइमरी सेक्शन में 1ली से 5वीं तक के 3 ही पोस्ट टीचर हैं और 6ठी से 10वीं तक के 3 पोस्ट पहले से ही खाली हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस। तो क्या कहीं उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा था प्रशासन को कुछ? गाँव के जो सरपंच हैं संजय कुमार, उसने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया। क्या नाम है सर? संजय कुमार। कहाँ से और क्या मामला था स्कूल का? मैं गड्डी सांपला गांव से सरपंच संजय कुमार। ये स्कूल में ताला इसलिए लगाया गया है कि एक तो ये जो पूरे हरियाणा में विज्ञान के टीचर की ये जो पोस्ट खत्म कर दी, एक हमारे स्कूल में कई साल से ये टीचरों की कमी है। प्राइमरी 1ली से 5वीं तक तो एक ही टीचर है। तो कहीं आप लोगों ने डिमांड नहीं करी इस चीज़ की? हमने सारे बड़े अधिकारियों को, DC तक सबको लिख के दे दिए, कोई हुआ नहीं। तो ताला लगाने के बाद क्या कोई आया था, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो ये मिला, आज तो हमने वारंट देकर कॉल दिया, कहते हमारे टीचर पूरे कर दो और एक वो जो पूरे हरियाणा में वो है उसकी पोस्ट वापस आनी चाहिए, तो फिर लगाएंगे। क्या स्कूल के ये एक ही स्कूल है गाँव के अंदर? हाँ, एक ही स्कूल। कितने बच्चे होंगे स्कूल में? स्कूल में बच्चे हैं 270 और टीचर कितने हैं? टीचर तो बस है ही नहीं, टीचर तो जो माले 1ली और 5वीं तक तो एक ही टीचर है। जी, क्या नाम है? दिनेश। दिनेश भाई, क्या मामला था जो ये स्कूल को ताला लगाया, क्या कुछ था इसमें? जी, 1ली से 5वीं तक की टीचर और 270 बच्चे हैं। तो क्या टीचरों को लेकर आपने ताला लगाया था या और कोई समस्या थी? टीचरों के लेकर ताला लगा था। टीचर तो लेकर भी एक ये तो पूरे। नाम सर? सेंद्र कुमार। किस पोस्ट पे हो सर? SS मास्टर। आप SS मास्टर। सर, आज गड़ी सांपला में ग्रामीणों ने स्कूल को ताला लगा था, क्या मामला था? मामला था सर, ये जो सरकार ने पोस्ट जो कैप्ट की है ना, और पोस्ट जो सरप्लस की है जी, उसके उसमें लगाया था कि हमारे स्कूल से 5 पोस्ट जो ना वो रेशलाइजेशन में और बच्चे की उसमें सरप्लस कर दी गई है। तो क्या कुछ चेतावनी दी है या फिर क्या मामला है? ग्रामवासियों ने कहा कि इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाए, अगर हमारे स्कूल में स्टाफ नहीं आया तो आने वाले समय में हम स्कूल को स्थायी रूप से ताला लगा देंगे जब तक हमारे यहाँ टीचर नहीं आएंगे। तो ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि काफी टीचर हैं जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे खाली पड़ी हैं। हाँ, ये पिछले 2 साल से जो पिछले जो ट्रांसफर हुआ था उससे है ना, हमारे यहाँ मैथ, साइंस और हिंदी की पोस्ट जो वो खाली हैं, और अब जो ड्राइंग टीचरों को हटाया, एक ड्राइंग टीचर की पोस्ट भी खाली है। तो सर, जब इतने टीचरों की पोस्ट खाली है तो क्या ग्रामीणों का ताला लगाना जायज बनता है? देखो, ग्रामीणों का तो ताला लगाना जायज है सर, उनके बच्चे।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।